हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट सैमसंग के स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आपको 10,000 रुपये के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस, इन सभी स्मार्टफोन में आपको 4GB रैम देखने को मिल जाएगी, बिग बैटरी देखने को मिल जाएगी, बेस्ट गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा और बेस्ट कैमरा क्वालिटी वाला स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइस, इसमें आपको सभी रैंकिंग वाइज स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे, प्राइस वाइज भी और प्रोसेसर वाइज भी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सैमसंग गैलेक्सी M01 कोर, जी हाँ दोस्तों, ये सैमसंग का सबसे लो प्राइस वाला स्मार्टफोन है जो कि काफ़ी अच्छा है मार्केट में इसकी। तो गाइस, अब इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको बैक में प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाएगी, डुअल सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा है। अब इसके डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको 5.3 इंचेस की HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। तो गाइस, डिस्प्ले क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। अब इसके कैमरे के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको 8 MP का रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा और 5 MP का फ्रंट सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, इसकी इमेज क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। अब इसकी बैटरी के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको 3000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी जो कि काफ़ी अच्छी है। अभी इसके प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको MediaTek का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा MT6739, जो कि नॉर्मल वर्क के लिए आपको काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। हल्की फुल्की गेमिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ना आने वाली नहीं है। ये Android V10 पर रन करता है। अब इसकी रैम और स्टोरेज के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, इसमें दो वेरियंट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको 2GB रैम, 32GB का स्टोरेज आपको 6000 रुपये के अंदर देखने को मिल जाएगा और 1GB रैम, 16GB का स्टोरेज जो कि आपको 5000 रुपये के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, इसमें आप वो 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसमें आपको फेस अनलॉक देखने को मिल जाएगा और 3.5 mm हेडफोन जैक देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, इसे आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप 6-7-8 हज़ार रुपये के कोई भी स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो हमारे चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाएंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। आई बटन में मैंने दे दी वीडियो, तो आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं आपके अगले स्मार्टफोन की तरफ, सैमसंग गैलेक्सी M01। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। डिज़ाइन वाइज आपको बैक में प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाएगी, तो डिज़ाइन वाइज आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। अब इसकी फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको डुअल सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा है। अब इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको 5.7 इंचेस की HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जो कि वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, डिस्प्ले की परफॉर्मेंस आपको क्वालिटी अच्छी देखने को मिल जाएगी। अभी इसके कैमरे के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसमें मेन कैमरा 13 MP का है और 5 MP का फ्रंट सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, इसकी इमेज क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। अभी इसकी बैटरी के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी जो कि आपको काफ़ी अच्छे इसमें आपको फीचर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 439 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको गेमिंग प्रोसेसर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। हीटिंग बहुत ही इसमें नॉर्मल होती है, तो गेमिंग के लिए आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं। ये एंड्रॉयड V10 पर रन करता है। अब इसकी रैम और स्टोरेज के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको 3GB रैम देखने को मिल जाएगी, 32GB का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। तो इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो यह आपको 7,500 रुपये के अंडर देखने को मिल जाएगा। अब इसके मेन फीचर्स के अदर फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको फिंगरप्रिंट देखने को नहीं मिलेगा, फेस अनलॉक देखने को मिल जाएगा। इसमें भी 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और 3.5 mm हेडफोन जैक देखने को मिल जाएगा। तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस, आपका गला स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी M02। जी हाँ दोस्तों, ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है और इसकी डिज़ाइन आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको बैक में प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाएगी, फेस अनलॉक देखने को मिल जाएगा और ये एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है। तो गाइस, इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसके डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। 6.5 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसके साथ आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। तो गाइस, काफ़ी अच्छी इसमें आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। अब इसके कैमरे के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसमें मेन कैमरा 13 MP का है और 5 MP का फ्रंट सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, इसकी इमेज क्वालिटी के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। अब इसकी बैटरी के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जिसके साथ आपको 10W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब इसके प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं। तो इसमें MediaTek का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो कि
1.6 GHz के चिपसेट पे स्मार्टफोन काम करता है। तो गाइस इसमें आपको 3GB रैम देखने को मिल जाएगी, 32GB का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, जिसे आप 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। अब इसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं तो ये आपको 8000 रुपये के अंडर देखने को मिल जाएगा, और इसका एक और वेरियंट है 2GB रैम 32GB का स्टोरेज, जो कि आपको 7000 रुपये के अंडर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो अगर आप एक नॉर्मल स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, नॉन चाइनीज स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हो। इसमें आपको ठीक ठाक कैमरा देखने को मिल जाएगा, बैटरी भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी, प्रोसेसर भी नॉर्मल वर्क के लिए ले सकते हैं, हल्की फुल्की गेमिंग के लिए भी आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। सैमसंग गैलेक्सी M01S जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन है, डिज़ाइन वाइज भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। अब इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको 6.2 इंचेस की HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाएगा, तो डिस्प्ले की क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। अभी इसकी बैटरी के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप आराम से देगी। अभी इसके कैमरे के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसमें मेन कैमरा 13 MP का है और 8 MP का फ्रंट सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिल जाएगा, तो इमेज क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। अब इसके प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको मीडियाटेक का हेलो P22 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। अब इसकी रैम और स्टोरेज के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको 3GB रैम देखने को मिल जाएगी, 32GB का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, जिसे आप 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। ये एंड्रॉयड V9 पे रन करता है स्मार्टफोन। तो गाइस इसमें आप प्राइस के बारे में बात करते हैं तो ये भी आपको 9000 रुपये के अंदर देखने को मिल जाएगा। अभी इसमें आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा, फेस अनलॉक देखने को मिल जाएगा। तो गाइस काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, अगर आप एक हल्की फुल्की गेमिंग के लिए करते हैं और मल्टीटास्किंग कर सकते हैं तो आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। सैमसंग गैलेक्सी M02S जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन है, डिज़ाइन वाइज भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको डुअल सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाएगा, तो डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। अब इसके कैमरे के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा बैक में, जिसमें मेन कैमरा 13 MP का है और 5 MP का फ्रंट सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिल जाएगा, तो इसकी इमेज क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। अभी इसकी बैटरी के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जिसके साथ आपको 15W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, तो जो कि बैटरी आपको गेमिंग में 1 से 1.5 दिन आराम से नॉर्मल कर सकते हैं, बैटरी चल जाएगी। अभी इसके प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। गेमिंग के लिए अगर आप एक स्मार्टफोन लेना चाहते हैं जो कि सैमसंग का, तो आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं। अब इसमें आपको एंड्रॉयड V10 पर रन करता है, और इसके रैम और स्टोरेज के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको 3GB रैम देखने को मिल जाएगी, 32GB का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप 1TB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। तो गाइस काफ़ी अच्छे फीचर देखने को मिल जाएंगे इसमें आपको, फेस अनलॉक देखने को मिलेगा, फिंगरप्रिंट देखने को नहीं मिलेगा, 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो गाइस कोई गेमिंग के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं, जो कि आपको ये प्राइस के बारे में बात करते हैं तो ये 8999 रुपये में देखने को मिल जाएगा। अगर आप किसी फेस्टिवल पर लेते हैं तो थोड़ा सस्ता देखने को मिल जाएगा, लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी M11 जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, डिज़ाइन वाइज भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। अभी इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको डुअल सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको 6.4 इंचेस की HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। तो गाइस डिस्प्ले की क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। अब इसके कैमरे के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसमें मेन कैमरा 13 MP का है और 8 MP का फ्रंट सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इसकी इमेज क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। अब इसकी बैटरी के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जिसके साथ आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब इसके प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं तो ये इसमें आपको स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, और ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड V10 पर रन करता है। तो गाइस अब इसके रैम और स्टोरेज के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको 4GB रैम देखने को मिल जाएगी, 64GB का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, जिसे आप 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। तो गाइस हल्की फुल्की गेमिंग करते हैं, आप नॉर्मल गेमिंग करते हैं, हैवी गेमिंग करते हैं, तो आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं, सैमसंग का कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हैं।
तो इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं। ये स्मार्टफोन आपको 9-10 हज़ार रुपये के अंदर देखने को मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। इसमें आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा, फेस अनलॉक देखने को मिल जाएगा।